गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास. लेट्स कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एंड आवर टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. कंप्यूटर एक मानव जाति के द्वारा किया गया बहुत बड़ा आविष्कार है. इट वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, यह बहुत तेजी से काम करता है, एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये जो नीचे फंक्शंस हमें दिए हुए हैं इन्हें फॉलो करता है. यानी कि वो काम कैसे करता है, देखिए डायग्राम के अंदर. सबसे पहले वो इनपुट लेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा और उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा, देन हमें वो आउटपुट देगा. फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, फर्स्ट है इनपुट. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच वी एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड और ए माउस इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी डाटा हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट होता है. वी कैन एंटर नंबर, वर्ड, पिक्चर और साउंड एज इनपुट. हम इनपुट के रूप में कोई भी नंबर, कोई भी वर्ड, कोई भी पिक्चर और कोई भी साउंड उसके अंदर डाल सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग. आफ्टर एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर, द सीपीयू वर्क्स ऑन द इनपुट टू गिव अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब हम इनपुट में कीबोर्ड या माउस के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करता है, यानी कि सीपीयू के अंदर वो काम करता है उसी इनपुट पे, और हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और मीन्स रिजल्ट हमें निकाल कर देता है. इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. नेक्स्ट है आउटपुट. व्हेन द डाटा इज प्रोसेस्ड इन ए सीपीयू टू गिव ए यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज आउटपुट. जब डाटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस करके तैयार हो जाता है, उसके बाद वो हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि रिजल्ट हमें देता है. तो जो रिजल्ट हमें मिलता है कंप्यूटर के द्वारा, वो क्या होता है, हमारा आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, देखिए हमने यहाँ पे टी का एक एग्जाम्पल लिया है. फर्स्ट है इनपुट. इनपुट के अंदर हमने क्या डाला, उसके अंदर वाटर, टी लीव्स, मिल्क और शुगर, ये सब क्या हमारी इनपुट हैं. प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमने इनपुट में डाला वो उसको क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है. और आउटपुट के अंदर क्या होगा, हमारी टी जो है वो रेडी हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए, यहाँ पर इनपुट में हमें कुछ डिजिट्स दी हुई हैं, जैसे 90, 85, 69, 98, 76, 84, और सबसे लास्ट में हमें प्लस का सिंबल दिया हुआ है. तो हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड करना है. अब ये डिजिट्स ऐड किस में होंगी, प्रोसेस के अंदर. प्रोसेस के अंदर ये डिजिट्स ऐड होंगी और आउटपुट के अंदर हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी. यानी कि इन सब डिजिट्स को ऐड करके हमारा कितना आता है, 502. तो वो हमें क्या मिल गई, आउटपुट. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड द टीचर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट एंड फाइंड हिज अर पोजिशन इन द क्लास. टोटल मार्क्स मिलने पर टीचर स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल सकती है, उसकी क्लास के अंदर पोजिशन भी निकाल सकती है. Likewise, we also perform various tasks by the following the IPO. इसी तरीके से हम बहुत से टास्क अपने परफॉर्म कर सकते हैं IPO साइकिल की मदद से. आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. थैंक यू.